कल मैंने ट्वीट कर दिया था कि ये जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए स्थगित, अरे निरस्त करिए ना आप इन चीजों को, निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट, परेशान है। अब ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया, अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के, अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है। सर यही बात उन्होंने कार समिति की बैठक में बोली थी और फिर सोशल मीडिया पर। वो दर्द सिराथू वाला है, जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है, वो दर्द अभी तक उनके पीछे पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है, वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है, वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। सर भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वह अपने में ही कर रही है, तो स्वाभाविक है। वो सही बात बोला हूँ अखिलेश जी ने, जो व्यक्ति घर के बाहर अगर किसी के कार्य को खराब करता है, किसी का नुकसान करता है, किसी के बारे में अगर गलत सोचता है, तो वो घूम फिर के घर में आती है बात, वो फिर अपने घर में भी वही फार्मूला इस्तेमाल करता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो अपने घर में इस्तेमाल कर रही है। अब ये पूरी तरीके से डूबने वाले हैं, अब क्योंकि जनता ने देखा, समर्थन दिया, केंद्र में बनाया, प्रदेश में बनाया, मेयर बनाया, सभासद बनाया, एमएलसी बनाए, जनता ने सारी की सारी ताकत दे दी अपनी, और जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया, केवल पेपर लीक और केवल लोगों के घर गिरवाना, गरीब लोगों के मकान उजड़वाना। जो कमजोर लोग थे बेचारे, अकबरनगर में मकान गिरवा दिया, सब कमजोर गरीब लोग थे बेचारे, दूसरे को घरों में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो अब जनता जाग चुकी है और केवल डर के मारे उपचुनाव इन्होंने सारे तोड़फोड़ रोके हैं और अध्यापकों के डिजिटल का जो अटेंडेंस था उसको रोका, स्थगित किया है। इसको निरस्त करिए और जनता निश्चित तौर से जाग चुकी है और अब जनता अपने हक और अधिकार पे वोट कर रही है, तो जनता इनको हराने वाली है। सर और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये अफवाह फैलाई है, माहौल खराब किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और तोड़फोड़ की जो कार्रवाई थी उसको भी स्थगित कर दिया है। तो क्या कैसे देखते हैं सर? देखिए आपको ये जानकारी होगी कि ये पूरी तरीके से इन लोगों ने जो ये कार्रवाई रोका है उसका मूल कारण है कि ये पूरी तरीके से चुनाव को देखते हुए, उपचुनाव को देखते हुए इन लोगों ने कार्य किया। और आपने देखा होगा कि जब ये मेरा वीडियो जारी हुआ, जब मैंने एक पूरी तरीके से इनको चीजों को जब हम लोगों ने बोला है, तो जनता जब ये जनता जागृत हुई, जनता के सारी चीजें सामने आई, तो मैं समझता हूं उसके बाद फिर ये निर्णय इन्होंने लिया है और हम सब लोग वहां के लोग रहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ उनका साथ देगी कांग्रेस पार्टी, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है।